सैयदा का तारुफ क्या है, किस अजमत की मालिक है। पैगंबर फरमाते हैं कि जितने भी अनवार तैयबा हैं वो किसी न किसी सुल्म और शिकम से गुजर के आए हैं, लेकिन सैयदा का नूर वो पाकीजा नूर है जो न किसी शिकम में रहा है न किसी सुल्म में रहा है। फिर ये नूर था कहां, तवज्जो फरमाइए, ये नूर था कहां। पैगंबर फरमाते हैं ये नूर बैते मामूर की जीनत बना हुआ था। इसीलिए जब पूछा गया पैगंबर से या रसूल अल्लाह ये अर्श क्या है, अर्श क्या है, दो हदीसें हैं। एक हदीस में पैगंबर ने फरमाया अर्श बैते मामूर की छत का नाम है, दूसरी हदीस में फरमाया अर्श सैयदा के घर की छत का नाम है। ये नूरे सैयदा बैते मामूर में रहा गया। अब फिर दो रवायतें, जब पैगंबर को पहली मर्तबा मेराज पे अल्लाह ने बुलाया, भाई बातें तो जमीन पर भी होती थी, कभी जिब्रील के जरिए होती थी, कभी जिब्रील के बगैर होती थी, फिर ये बातों के लिए अर्श पे बुलाया। देखिए कुछ चीजें होती है जो इंसान जाहिर बजाहिर दे देता है, लेकिन जो कीमती गौर होता है ना वो खलवत में जाके भैया ये कीमती है, भैया ये कीमती है, कीमती इस गौर को संभाल के रखना। पैगंबर ने इस कीमती गौर को हासिल करना था। अब जुमला आगे आपके हजारे आली की नजर करता चलो, पैगंबर लेटे हैं वही आ रही है, कुरान आ रहा है जहां पैगंबर लेटे हैं, पैगंबर सफर में है तो कुरान पैगंबर के पीछे वहां पे नाजिल हुआ, पैगंबर मस्जिद में है तो कुरान वहां नाजिल हुआ। अब मुझे ये इख्तियार हासिल नहीं कि मैं हुदूद बनाता फिरूं, और ये इख्तियार किसी के पास नहीं है, मगर इतना जुमला कहने का मेरा हक बनता है कि कुरान वो है जो मुस्तफा के पीछे आता है, और जो सैयदा का नूर लेने अर्श पर चले उसे मुस्तफा कहते हैं। अब आसानी आने को बुला कीजिएगा,
पैगंबर की हदीस है, लौला अली, अगर अली ना होते, मा काना ले फातिमा का कुफ्वन, सैयदा का कोई कुफ ना होता, आदमा अव गैरा, आदम हो या कोई और। मुझे ईमान से पता है, जिस बंदे ने भी तौज़ीह और मसाइल पढ़ी है वो जानता है ये मसला। तौज़ीह में हर मराजुज़्ज़ाम ने इस मसले को इसी तरह तहरीर किया है, हर मुज्तहिद ने लिखा है। जहां महरम की बात है, महरम कौन है? मेरी वालदा, उनकी वालदा, उनकी वालदा, जितने ऊपर चले जाए। फिर इसी तरह इस तरफ बात हुई कि मेरी बेटी, उनकी बेटी, उनकी बेटी, जितना नीचे चले जाए। यानी ये सिलसिला जहां तक चलता रहे, महरम है, और महरम से निकाह नहीं होता। मुझ जैसा अनपढ़ इंसान ये मसला जानता है कि बाप से बेटी का निकाह नहीं होता। तवज्जो, मैं जानता हूं, अगर आज हजरत आदम तशरीफ ले आए और वो रिश्ता तलब करें तो हम में से कोई नहीं है जो अपनी बेटी पेश करे जनाबे आदम की खिदमत में। क्यों? हजरत हव्वा के सिवा जितनी भी बीवियां इस वक्त दुनिया में मौजूद है, सब हजरत आदम की बेटियां हैं। ये मसला हम तो जानते हैं, पैगंबर नहीं जानते माजल्ला। फिर पैगंबर ने कहा क्यों? अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफ ना था, वो आदम हो या कोई और। पैगंबर बताना ये चाहते थे कि आदम ने जन्नत में ख्वाहिश की थी कि सैयदा उनकी औलाद में से हो, लेकिन सैयदा औलाद आदम में से नहीं है। अगर औलाद आदम में से होती तो पैगंबर कभी ये ना फरमाते। नहीं, थोड़ा आपने अल्हाने अली को मेरे साथ लेके चले तो मैं आपको एक और मंजर दिखाना चाहता हूं। ऐनुल आरिफीन अपनी किताब मेरा कम तराज है, और वो लिखते हैं कि जिस वक्त एक शख्स आया बाल बख से, और उसने आके पैगंबर से दरियाफ्त किया कि मेरी कोई औलाद है? पैगंबर ने कहा नहीं। रोता हुआ पलटा कि करीमे करबला बैठे थे, करीब हुए कराए पे तेरा, कहा जा मेरे नाना का शहर, और यहां से रोते हुए कभी ने साथ लिया, खिदमत अकदस में हाजिर हुए। हाजिर होके कहा नाना जान, इसके यहां औलाद ना थी और ये रोता हुआ जा रहा था आपके शहर से। नाना, हमने इसको एक बेटा दिया। कहा हुसैन, इसके नसीब में औलाद नहीं है। कहा हमने दो दे दिए। कहा इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा हमने तीन दे दिए। कहा हुसैन क्या कर रहा है? कहा हमने चार दे दिए। कहा हुसैन अर्श का मुताला तो कर ले। कहा हमने पांच दे दिए। हुसैन आपको हो क्या गया है? कहा हमने छह दे दिए। कहा हुसैन वहीं से तो मशवरा ले ले। कहा हमने सात दे दिए। यहां से जुबान अथर से सात का आदत निकला कि उधर से, यहां से सात कहा कि उधर से राह आगे बढ़ा। कहा बस मौला, बस और नहीं चाहिए। मौला ने एक मर्तबा राहिब की तरफ देखा, कहा हमारे फैज की जाने एक मर्तबा हाथ उठा के झोली इतनी तंग रखी। अब जुमला तो समझने का पाया, जुमला तो समझने का पाया। जैसे मौला ने कहा ना कि मेरे बहरे बेकरा में उम्मीद का किंगर फेंका और झोली इतनी छोटी, अगर तू ना न करता तो कयामत के दिन औलादी आदम एक तरफ मशहूर होती, हुसैन के बच्चे हुए एक तरफ आते। अरे जब इनके बच्चे हुए औलादी आदम में नहीं तो ये खुद कैसे हो गए? हमने आपको कौशल अता किया। जनाब आखिरी जुमला,
بھائی بھی اب حاضر ہو گئے. ساری کائنات پیغمبر کو عطا کی. نماز پڑھتے تھے پیغمبر, قربانی کرتے تھے پیغمبر, سب کچھ کرتے تھے پیغمبر, اظہار کرتے تھے پیغمبر, لیکن تخصیص ہو گئی. دیکھیں ایک مزدور ہے نا, اسے آپ نے دیہاڑی پہ رکھا, اس کی دیہاڑی ہے 500, آپ نے اسے 400 دیا, یہ ہے بخس. اس کا جو حق بنتا تھا وہ پورا نہیں دیا, آپ نے کم دیا حق سے. اور اگر پورا دے دیا یہ اتا ہے, اور اگر حق سے زیادہ دے دیا تو یہ ہے عطا. کائنات دے کر مصطفیٰ کو اللہ کہتا ہے یہ عطا ہے, اور زہرا دے کے کہتے ہیں نہ آتے نہ کل کو سر, ہم نے تیرے حق سے تجھے زیادہ عطا کر دیا ہے. اور جب ہم زیادہ عطا کیا ہے فصلی لربی کا ونہار, اب نماز پڑھ اور قربانی دے. پڑھتے تھے نماز پہلے بھی پڑھتے تھے, لیکن یہاں پہ اب کہا کہ اب دیا ہے حق سے زیادہ, اب نماز پڑھ. کائنات دے کے اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں کہا, رسالت دے کے اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں کہا, نبوت دے کے اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں کہا. جو نبوت اور رسالت میں اللہ کو بلند نظر آئی وہ سیدہ زہرا کا تحفہ تھا. ابھی پروگرام جاری ہے, انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو سیدہ کی آمد میں تفصیلی جشن سناؤں گا مل کے. اور جس طرح ابھی بیدار ہے نا اسی طرح بیدار رہنا ہے.